तो हेलो गाइस, जैसे देख सकते हो आज मेरे घर पर दिवाली का साफ सफाई चल रहा था। देख सकते हो मेरे पास काफी सारा एलईडी डेड एलईडी बल्ब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में जो ये डेड एलईडी बल्ब से आपको काफी ज्यादा शानदार वीडियो बना दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड चैनल पे नए हो तो आप इससे क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके से प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो देखने मिलता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे देख सकते हो गाइस, यहाँ पास मैं जितना भी कबाड़ से पड़ा हुआ एलईडी लाइट है इसको ले रहा हूँ और आपके भी घर पे काफी सारा पड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो कोई सा भी एक एलईडी बल्ब जैसे कि आपको दिखाने के लिए इसको ले रहा हूँ। ठीक है, एंड इसका अंदर का जो भी सर्किट बोर्ड है उस सबको पहले हमें ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो चलिए मैं इन सबको फटाफट से खोल लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते हो गाइस, इसके अंदर पे जितना भी सामान है उसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा इसका B22, देख सकते हो ये रहा। ठीक है, एंड ये रहा इसका हाउसिंग, इसका बॉडी है एंड ये इसका टिक्की एंड इसका एलईडी ड्राइवर। तो अभी तो ये जो है पूरा खराब हो गए तो इनका तो जरूरत नहीं, तो इसे हम लोग साइड में रख लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पास हमें एक ठो RGB लाइट को कनेक्ट करना है। ठीक है गाइस, तो जैसे देख सकते हो गाइस, यहाँ पास मैं RGB लाइट को ले आया हूँ। ठीक है, एंड ये जो RGB लाइट है ना, यहाँ पास ये 3 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएगा। 3 वोल्ट से यहाँ पास आप लोग 4 वोल्ट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कोई सा भी एक ठो RGB लाइट लूंगा एंड इसके पीछे साइड पे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से लगा दूंगा एंड यहाँ पास मैं 2 वायर को पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए कनेक्ट कर लेता हूँ एंड सीधा ही उसको मैं यहाँ पास सोल्डिंग कर दूंगा। नहीं तो यहाँ पास आप लोग इसको ना लगा के आप लोग कोई सा भी इसके ऊपर पे, जैसे कि आप लोग कोई सा भी कैप वगैरह या ग्लू गन से इसको चिपका दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं यहाँ पास कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, यहाँ पास पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 2 वायर कनेक्ट कर लूंगा। तो चलिए, यहाँ पास आपको पहला वाला बता दिया। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से हमें सारा जो एलईडी लाइट है उसका कनेक्शन कर लेना है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि मैं इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एंड फटाफट से इसको कर लूंगा, एक दो ठो कर लेने के बाद आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो गाइस, यहाँ पास मैं जितने भी टिक्की है, ठीक है, इन सब पर वायर को कनेक्ट करके एंड सोल्डिंग कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं साइड में रख लेता हूँ एंड कोई सा भी एक बॉडी ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो बॉडी है इसके अंदर पे मैं इसको अभी, ये जो दोनों वायर है इसको मैं बाहर के साइड पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से पीछे साइड पे 2 वायर निकल गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद हमें चाहिए इसका B22 कैप। ठीक है, तो इन दोनों वायर पर यहाँ पास मैं सोल्ड कर देता हूँ, इन दोनों वायर को फटाफट से कुछ इसी तरीके से सबको सोल्डिंग कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी फाइनल गाइस, जैसे देख सकते हो इधर मैं वायर को सोल्ड कर दिया हूँ। ठीक है, एंड इधर एलईडी को भी RGB लाइट को यहाँ पास झटका दिया हूँ ग्लू गन की मदद से। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से मैं सारे एलईडी बल्ब को कुछ इस तरीके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, एंड इसके पीछे साइड पे जैसे देख सकते हो गाइस, यहाँ पास मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव के लिए यहाँ पास निशान लगा दिया हूँ, जिससे कि हमें बाद में इसका पॉजिटिव नेगेटिव को खोजने में टाइम ना लगे। ठीक है, एंड अब चले यहाँ पास क्या करना है, सिर्फ 2 ही काम है, ऑलमोस्ट हमारा एलईडी लाइट बन के रेडी है। ठीक है, यहाँ पास वायर को सोल्ड कर देना है ऊपर की साइड से एंड यहाँ पास आप लोग टेप भी लगा सकते हो, ग्लू गन को भी लगा सकते हो ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं हो सके। ठीक है, एंड उसके बाद इसके पीछे साइड पे इधर हम लोग ये जो इसका डिफ्यूजर है B22 कैप, इसको लगा भी सकते हैं, अगर नहीं चाहो तो आप लोग इसको निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल तो मैं इसे लगा दूंगा। ठीक है, एंड इसके बाहर पे जितना भी डस्ट है इसको ठंडा की मदद से, नहीं तो आप लोग पेट्रोल की मदद से, किसी की मदद से भी इसको साफ कर सकते हो इजिली। तो चलिए यहाँ पास मैं वायर को सोल्ड कर लेता हूँ एंड इसको साफ कर लेता हूँ एंड एक ठुल्लड़ी टाइप का बना लेता हूँ। ठीक है, एक ही वायर पे सबका पैरेलल कनेक्शन होगा। ठीक है, 5 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएगा, 3 वोल्ट 2 वोल्ट आप जितना भी दे सकते हो, मैक्सिमम आप लोग 4.2 वोल्ट दे सकते हो, नहीं तो आप लोग इसको 3 वोल्ट दे सकते हो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फटाफट से कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रहा इसका वायर एंड ये वाला वायर जो है पॉजिटिव होगा एंड ये वाला वायर हमारा नेगेटिव ब्लैक कलर का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, DC 5 वोल्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो गाइस सर, यहाँ पर मैं अपने स्टूडियो का लाइट को बंद कर दी हूँ। ठीक है, अपने पावर बैंक से इसको वोल्टेज दे देता हूँ
तो आप लोग देख सकते हो गाइस यार कि काफी बढ़िया तरीके से जो है जल रहा है। चलिए यहाँ पास मैं अपना स्टूडियो को लाइट है इसको भी बंद कर लेता हूँ एक बार। तो देख सकते हो गाइस यार काफी बढ़िया तरीके से ये जो हमारा जितना भी एलईडी लाइट है ये जल रहा है। तो चलिए एक बार इसका हम लोग सिनेमेटिक साउंड देख लेते हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके से रिपेयरिंग से रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली एडवांस आप सबको एंड दिवाली अच्छे से मनाइए। तो चलिए मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।